यूट्यूब फैमिली, आज रमज़ान मुबारक का नौवां रोज़ा है और जुमा भी है, तो आज हम बनाने लगे हैं कोफ्ते। और कोफ्ते के साथ हम बनाएंगे कबाब, चिकन कबाब। हम इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पर हम कस्टर्ड सेवियां बना रहे हैं। हमने दूध बॉईल कर लिया अच्छे तरीके से, उसमें चीनी ऐड कर दी। ये हमने कल ही बनाना फ्लेवर लिया कल वाला, और साथ में हम इसमें डालेंगे सेवियां। हम दो तीन वाला उबल चुके हैं, इसमें सेवियां ऐड करेंगे। हम इसमें चावल करेंगे सेवियां, पक के तैयार हो गए। इसकी थिकनेस आप चेक करें गाड़ी गाड़ी की। और अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे एप्पल के साथ, और उसको हम बदलेंगे फ्रीजर में ठंडा होने के लिए। ये हमने सेब को चॉप कर लिया है, हमने यहाँ पे डाल दिया सेब। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड। जी ये हमारा कस्टर्ड बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको कर देंगे फ्रीज ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। हमारे लिए देखिए आज हम बना रहे हैं आलू चिकन के कटलेट्स। ये मैंने आलू और चिकन को जो है बॉईल करके मैश कर लिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये धनिया, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप करके रखी है, ये इसमें शामिल करेंगे। इसमें जीरा एक चम्मच, नमक जो है वो हसबे जायक का मिलेंगे, सुर्ख लाल मिर्च एक चम्मच और सुर्ख धड़ा मिर्च एक चम्मच। अब इसको अच्छे से मैश करेंगे। ये हमने अपना जो है ये पेस्ट तैयार कर लिया है। हाँ मंगवाने वाला है, ये पेस्ट रेडी हो गया। अब हम इनके कटलेट्स बना के रखेंगे। ये देखें ये फाइनल लुक कटलेट्स तैयार कर लिया हमने। अब इनको फ्रीजर में रख देंगे और फिर इन टाइम अफ्तारी पर इनको फ्राई करेंगे। जी अब हम बनाने लगे हैं कोफ्ते। ये हमने ले लिया कीमा। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च जो हमने काट ली। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं दड़ा मिर्च। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया और जीरा पाउडर। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं अंडा। शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जी अब हम शामिल करने लगे हैं घी। ये हमने अपने आलू बॉयल करके रख दिए थे, जो हमने कोटिंग करनी है कोफ्तों की उसके लिए। इसमें मैंने घी डाल दिए। अब हम इसमें डालने लगे हैं तड़ा मिर्च, और अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। जी इसमें हम शामिल करेंगे अब हरा धनिया। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। जी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स। जी ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है मेज़ा कोफ्ते का। अब हम इसकी बना रहे हैं बॉल्स। हम
हमने एक बाउल्स बना के रख लिया और दूसरी साइड पे हमारा तेल गर्म हो रहा है। अच्छे तरीके से जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें शामिल कर देंगे बॉल्स को। जी ये हमारे बॉल्स तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको करने लगे हैं फ्राई। हमारे यहाँ पे ब्राउन हो रहे हैं जी, ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग दोबारा फ्राई कर रहे हैं दूसरा कौर जी। दूसरी जगह हम बनाने लगे हैं स्ट्रॉबेरी शेक। हमने इसमें स्ट्रॉबेरी डाल दी और चीनी भी डाल दिया, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इसको कर लेंगे ग्राइंड जी। अब हम इसको ये जो हमने आलू का पेस्ट बनाया था उसकी कोटिंग करेंगे। हमने ये बॉल बनाई है उसको फिर हमने ऐसे कर लिया, टिक्की बना ली, उसके अंदर हम रखेंगे कोफ्ता कबाब। ये हम इसके ऐसे डो बना लेंगे, इसको फिर हम एक प्रॉपर बॉल की शेप दे देंगे ऐसे, जैसे कि ये हमारी बॉल बन चुकी है। दूसरी साइड पे हम करने लगे हैं अपनी टिक्कियां फ्राई। जी अब हम बॉल्स की करेंगे कोटिंग। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर के बाद हम इसको डिप करेंगे एग में, अंडे में। अंडे में अच्छे तरीके से हमने इसको डिप कर लिया। डिप करने के बाद हम इसको लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अब इसको हम डाल देंगे अपने पतीली में फ्राई करने के लिए। जी हमारे कोफ्ते कुछ फ्राई होके ऐसे इनकी हो गई है शक्ल, और दूसरी जगह में हमारी टिक्कियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं। देखिए हमने कटलस हमने फ्राई कर लिए हैं, जो प्यारी लोग आ गई हैं बहुत बेहतर आ गए हैं। जी हमने ये घी में प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च और टमाटर। ये हम बना रहे हैं कोफ्ता रेसिपी अपनी, ग्रेवी बना रहे हैं उसकी। साथ ही हम इसमें शामिल अदरक लहसुन अदरक का पेस्ट, सुरख मिर्च, लाल मिर्च, जीरा सूखा धनिया मैंने डाल दिया, डाल दी इसमें हल्दी, नमक, और इसमें पानी। जी हमारी ये ग्रेवी भी पक के तैयार हो गई है, हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे जी। अब हम इसको लगे हैं दरमियान से कटो, देखिए इसके अंदर से ऐसी लुक बनती है। जी ये मज़ेदार से हमारा कोफ्ता पक के तैयार हो गया। अब इसमें हमने ये ग्रेवी डाल दी, साथ हमने इसके ऊपर गार्निशिंग कर दी है धनिया की।
जी तो ये थी हमारी आज की अफ्तारी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और हमारे साथ रहेगा नेक्स्ट अफ्तारी के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।